हुआ ये है कि मुझे अनंत के घर पे वापस आना पड़ा है, तो विजय के ऑफिस में जाके सुबह सुबह मैं उसको बोल के आती हूँ कि तुम एक काम करो, अनंत को सब कुछ हम दोनों के बारे में बता दो। तो मैं उसको धमकी देकर आई हूँ कि मैं तुमको थोड़ा सा सोचने का टाइम दे रही हूँ, तो तुम बता दो। तो वो डर के मारे ये चेक करने आया कि मैंने अनंत को सब कुछ बता दिया है कि नहीं। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो पहले तो ऐसे मैं बात करती हूँ जैसे कि मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, वो डरा हुआ होता है। लेकिन जब बाद में वो बात करता है तो कुछ और ही चीज़ होती है। लेकिन मैं उसको इशारों इशारों में वार्निंग देती हूँ कि मतलब अभी तक मैंने बताया नहीं है, तो आई एम गिविंग यू चांस कि तुम देर हो जाए उससे पहले तुम बता दो। कहने का ये मंदिरा का ये प्लान तो नहीं कि विजय अपने मुंह से खुद ही कबूल के सब कुछ और खुद फंस जाए? नहीं, फंस जाए ऐसा तो नहीं चाहती वो बस ये चाहती है कि कबूल का बोल दे और फिर विजय वापस उसको मिल जाए, वो यही चाहती है। बाकी ऐसे उसको कुछ फंसाना वसाना तो नहीं चाहती वो। वैसे सोनल विजय को काफी अपने उंगली के इशारे पर अपना छाने सोच रही है, तो क्या विजय उसी चीज पे कामयाब हो रहे हैं आपके वो साथ? तो बिल्कुल नहीं कर रहा है वो, मैं जितना सोच रही उतना ही वो नेगेटिव नेगेटिव हुआ होता जा रहा है मेरे टूवर्ड्स, बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो मान जाए किसी तरह। अब लेट्स सी क्या होता है।